हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नई रेसिपी के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए ये रेसिपी तैयार करते हैं। ये आप अपने बर्थडे पार्टी या किटी पार्टी के लिए भी ये बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने चावल 3 से 4 घंटे के लिए भिगोया था। ये एक कटोरी है चावल। इनको भिगोने के बाद में अच्छे से बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही बारीक पेस्ट बनाएंगे। और देखिए कितना बारीक पेस्ट बनके तैयार है हमारा। अब इसमें सारे मसाले जो भी हैं वो डालेंगे। इसमें डालेंगे बारीक कुटी हुई लाल मिर्च, शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया डालेंगे बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, नमक डालेंगे। अब इसमें 2 से 3 आलू उबला हुआ था वो डालेंगे। अब अच्छे से मिलाएंगे इसको, बिल्कुल आटे की तरह गूंथ लेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, ऊपर से खूब अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी रहते हैं। इनको अच्छे से गूंथ के और फिर हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा तेल। तेल लगाने के बाद इनका शेप देंगे। आप जो शेप देना चाहते हैं वो शेप दीजिए। शेप देने के बाद में इनको हम तलेंगे। उससे पहले हम बना लेते हैं एक वाइट सॉस। उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच दही, 2 चम्मच मेयोनीज, बारीक कुटी लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, सफ़ेद और काला नमक डालेंगे, वो भी चुटकी चुटकी भर, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेंगे और ये सॉस बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए तेल भी गर्म हो चुका है। अब इनको सेक लेंगे। पहले तेज़ आंच पे सेकेंगे, फिर इसको धीमी आंच पर सेकेंगे। ये फूल के बहुत अच्छे हो जाते हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, ऊपर से क्रंची रह जाते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इसको बना के ज़रूर देखिएगा कि आपको कैसी लगी है। तो ये देखिए अब बन के तैयार है। इसे टमाटर सॉस और वाइट सॉस के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू।